वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रोफेसर उल्फत। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोएम माय नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग इज लास्ट फ्रॉम इंग्लिश फर्स्ट ईयर कोर्स दैट इज ट्रांसलेटेड बाय A.R. लूथर एंड रिटन बाय बुले शाह। पोएम माय नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग इज लास्ट इज रिटन बाय बुले शाह। द ओरिजिनल नेम ऑफ बुले शाह वाज अब्दुल्ला शाह। ही वाज बोर्न एट UCH गिलियानियन बहावलपुर इन द फैमिली ऑफ सैयद्स। ही मूव्ड विद हिज फादर ऑफ कसूर टू कसूर। अर्लीस्ट थीम्स ऑफ हिज पोएम्स पॉइंट टू अ कॉन्शियसनेस ऑफ टू फिनोमेना एंड इनकोरेक्ट सेंस ऑफ डिविनिटी अमंग द पीपल एंड देयर फीलिंग्स ऑफ द पोजिशन ऑफ अ डिवाइन। स्टार्ट द पोएम गोइंग फर्दर टू द फर्स्ट स्टैंजा। My neighbor friend breathing is lost. What should I do, O God, aghast? He is to leave, now can't remain. Companions ready to catch the train. What should I do, O God, aghast? तो ये poem poet ने अपने friend, अपने spiritual guide, अपने mentor के upcoming death के बारे में लिखी है। एक्चुअली ये कोई दोस्त नहीं है बल्कि इस poet का अपना mentor है, उस poet की अपनी spiritual guide है जो कि मरने जा रही है, जो मौत के करीब है और उसकी उस मौत पर, उस अपकमिंग मौत पर पोइट बहुत ज़्यादा वरीड है, परेशान है और वो नहीं चाहता कि वो जाए, लेकिन पोइट कर भी कुछ नहीं सकता, उसको स्टॉप भी नहीं कर सकता। तो पोइट क्या कहता है कि माय नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग इज़ लास्ट, मेरा हमसाया दोस्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वट शुड आई डू ओ गॉड अगस्ट, अगस्ट मीन अफसोस, अफसोस ऐ खुदा कि मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ही इज़ टू लीव नाउ कांट रिमेन, उससे अब जाना ही है, वो रुक नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि जब एक इंसान को मौत आ जाती है या आने वाली होती है तो हम उसको रोक नहीं सकते, वी आर हेल्पलेस बिफोर डेथ। तो वो कहते हैं कि उसको जाना ही जाना है, हम उसको रोक नहीं सकते। कंपेनियंस रेडी टू कैच द ट्रेन, उसके साथी उस ट्रेन को पकड़ने के लिए रेडी हैं। जिस तरह जॉन एशप्रे ने अपनी पोएम मेलेडिक ट्रेन में इंसान की लाइफ को एक ट्रेन से तशबीह दी है, सेम उसी तरह पोएट कहता है कि ये हमारी ज़िंदगी एक ऐसी ट्रेन की मानंद है कि एक ट्रेन जैसे आ रही है और उससे कुछ मुसाफिर उतर रहे हैं और कुछ मुसाफिर चढ़ रहे हैं, तो इसी तरह इंसान की ज़िंदगी है, उस ट्रेन से कुछ मुसाफिर उतरते हैं जिनका वक्त पूरा हो जाता है, वो अपना वक्त पूरा करके उतर जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। इसी तरह जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी दुनिया में आना है वो उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो पोएट क्या कहता है कि उसके जो साथी हैं ना, मरने वाले के जो साथी हैं वो रेडी हो गए हैं ट्रेन को पकड़ने के लिए, ट्रेन को रोकने के लिए। जिस तरह एक इंसान मरता है तो उसके रिश्तेदार जनाजा उठाने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि उसके रिश्तेदार ट्रेन पकड़ने के लिए रेडी हो गए हैं क्योंकि अब वो मरने के करीब है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगस्ट, ए खुदाया मैं क्या करूँ, मुझे कोई समझ नहीं। सेकंड स्टैंजा, ऑन एवरी साइड ही कैंपिंग टॉक, एट एवरी प्लेस अ शीक्स इन स्टॉक, व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगस्ट। अब पोइट क्या कहते हैं कि हर तरफ खेमे उखाड़ने की बातें हो रही हैं, हर तरफ चीखों पुकार है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे किसी इंसान की डेथ होती है, अपने प्यारे की डेथ होती है, तो लोग परेशान होते हैं। खेमे उखाड़ने से मुराद यह है कि उसको ले जाने की बातें हो रही होती हैं कि अब ये इस इंसान की डेथ हो गई है या होने वाली है, तो इसको उसका जाहिर है उसका घर अब ये तो नहीं रहेगा ना, उसको अगली दुनिया में जाना है, उसको अगले घर में लेकर जाना है। तो खेमे उखाड़ने से मुराद यह है कि उसका यहाँ से बसेरा ख़त्म हो गया, उसको दूसरी जगह पर ले जाने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और गम के मारे लोग जो है वो चीखो पुकार कर रहे हैं, लेकिन अफसोस मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। गोइंग फर्दर टू द थर्ड स्टैंजा, फ्लेयर ऑफ फ्लेम्स इन हार्ट टू हाइट, फॉर विजिबल इज नॉट चार्मिंग साइट, व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगस्ट। अब वो कहते हैं कि फ्लेयर ऑफ फ्लेम्स इन हार्ट टू हाइट, मेरे दिल में आग के शोले बहुत ज़्यादा बुलंद हो रहे हैं, फॉर विजिबल इज़ नॉट चार्मिंग साइट, मुझे कोई भी दिलकश मंजर नज़र नहीं आ रहा, व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगस्ट, अरे खुदाया मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ।
ऐसे ही है ना, जब किसी इंसान की, किसी अपने प्यारे इंसान की डेथ होती है तो हमें कोई भी नज़ारा दिलकश नज़र नहीं आता, हमें हर चीज़ जो है वो बेमैनी सी नज़र आती है। तो पोइट भी ये कह रहा है कि मेरे दिल में शोले बुलंद हो रहे हैं, मेरा दिल परेशान है, मुझे कोई भी मंजर दिलकश दिखाई नहीं दे रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कुछ कर भी नहीं। फर्दर टू द लास्ट स्टैंजा, विदाउट हिज लव बुलो इन लास्ट फॉर हार्डली डिवेल हेयर आर क्रॉस वट शुड आई डू ओ गॉड अगस्ट। अब बुले शाह खुद को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि उसके बगैर, यानी मेरे मेंटोर, मेरे स्पिरिचुअल गाइड के बगैर, बुल्ला अब घाटे में है, बुल्ला लॉस में है, बुल्ला कुछ भी नहीं है अपने स्पिरिचुअल गाइड के बगैर। फॉर हार्डली डिवेल हेयर आर अक्रॉस, हेयर मीन इस दुनिया में, अक्रॉस मीन उस दुनिया में, मैं ना इस दुनिया में जी सकता हूँ ना मैं उस दुनिया में जी सकता हूँ अपने प्यारे के प्यार के बगैर। What should I do? Oh God, August, मैं कुछ नहीं कर सकता, अफसोस मैं कुछ नहीं कर सकता। Discuss the context of the poem. The poem is very simple but having a deep and philosophical idea in itself. In this poem, Bulle Shah is feeling sorry on the departure of his spiritual guide whom he loves a lot. The separation is very difficult to bear for Bulle Shah. On the death of his spiritual guide, his feelings and emotions are disturbed. Let's start the explanation of all the stanzas. Actually, the theme of the poem is same, so we will do only one explanation. और ये जो ऊपर की तीन लाइनें हैं, ये हम अगर हर एक्सप्लेनेशन में ऐड कर लें तो इट विल मेक आवर एक्सप्लेनेशन मोर इफेक्टिव। दीज आर वेरी रिफ्लेक्टिव एंड थॉट प्रोवोकिंग लाइन्स एंड हैव मैनी लेयर्स ऑफ मीनिंग्स। The surface meaning is simple and easy to understand. However, the hidden meaning is somewhat complex and not easy to discern for a common reader. In the given lines, the Bulle Shah describes the death scene of his neighbor friend who is departing, and Bulla does not know what to do. Death is an admitted fact and a hard reality of life and a horrible experience. But if the dying person has love and fear of God in his heart, death becomes pleasant and soothing for him. This is the meditative poem and Bulle Shah states the ultimate destiny of a man. No man can resist. So this is all about today's lecture. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।